पापा अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पापा के दोस्त के यहाँ छोटे गोले से मिलने, छोटे गोले से मिलने जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं छोटे गोले से मिलने के लिए और पहली बार मिल रहे हैं ना। कोटी भाई जीबा, कोटी भाई जीबा, ओके मम्मा कोटी भाई, ओके ओके कोटी भाई। जब से सुना है कि मिलने जा रहे हैं छोटे गोले से तो सिर्फ कोटी भाई जीबा, कोटी भाई जीबा। छोटे भाई के लिए क्या लाए हो तुम? वो क्या है? वो तो जाके ही पता चलेगा कि वो दे रहा है कि ये दे रही है। वो क्यूट सा है ना, वो नहीं देगा, तो जाके ही मिलने के बाद पता चलेगा ना। तो हम लाए उसके लिए ड्रेस लाए, पता नहीं आएगा कि नहीं, मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और देखते हैं क्या लेंगे। चलिए चलते हैं। छोटा गोला है, छोटा गोला। माँ पापा टाटा 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 लेबू पानी पी लो ना, तरो दे के टाटा टाटा हां तरो दे तरो दे स्माइल स्माइल पापा स्माइल तरो दे काट दे बापा पापा काय ताको गाड़ी रे आनी के देलो राज, ता गाड़ी आनी के देलो से खेलिबो हां। ए पापा काय काय पापा पापा उठ राज, अगुरु उठ गए पापा 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 सी बाबू तो पापा 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 ए किले चाको वाली ए इतने काम कर कितना दाल तो ठीक अच्छे से तो नीचे उठी खाइब सी खाऊ वाटर मेलन खाइब ना ए चल तुम भाई की देखो आते कोलो केंदी करछि से केंदी करछि वाटर मेलन हाँ सब सी तार चिकन लेग पीस टा आगे दरकार, चिकन लेग पीस टा आगे दरकार। से कोइलो कष्ट करि तुम काढ़ी देबो ने सब खाई दे हैला खाओ नो नी की भाई लो खाओ नी के ने रश्मिता। तो यहाँ पे राज अपने छोटे भाई को पानी पिला रहा है, होते हैं ना छोटे बच्चे, थोड़े छोटे बच्चों के लिए केयरिंग होते हैं ना, तो वही राज कर रहा है। और देखिए छोटे गोले को पानी पीते हुए कितना क्यूट लग रहा है ना। भल की सेवा कर कोटी भाई रे हैला, जेते तू छोटो डे थिलो आंटी तोर भारी सेवा करथले, सेत पई तू छोटो भाई रो सेवा कर। राज
सारो से फेवरेट तो दे एटी सोई दे बोतल टाइम सोई दे तो यहाँ पे हम जा रहे हैं घर। हम थोड़ा मेगा मार्ट गए थे, थोड़ा जलेबी खाने को मन कर रहा था तो जलेबी लेके हम घर जा रहे हैं अभी। हाँ मिराज पापा I haven't finished. Okay. Hello everyone, welcome back to our channel. I hope all are doing good. Good morning guys. तो morning time है, अभी हम सांबर बना रहे हैं खाने के लिए। तो क्या क्या मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ चलो बता देती हूँ। तो इसमें हमने डाला है ब्लैक पेपर, उड़ीद दाल, चना दाल, जीरा, सूखी लाल मिर्च, कोकोनट, करी पत्ता, सलाद बोल रही हूँ जो छोटे वाले प्याज हैं उसे बोल रही हूँ, और अदरक, लहसुन, हींग और कोरिएंडर, एंड लास्ट में थोड़ी हल्दी हम डालेंगे। तो इन सब को हम हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे, देन उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंडिंग कर लेंगे जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं थोड़े से। तो मसाला हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है, इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी दाल बिठा रही हूँ, दाल को मैंने थोड़ी भिगो के रख दिया था। तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे थोड़ी सी हरी दाल और चना दाल मैंने डाला है यहाँ पे। तो चलिए इसमें हल्दी, नमक और पानी डाल के बिठा देते हैं गैस पे। तो यहाँ पे दाल बिठा दिया है, तो दाल होने के साथ साथ यहाँ पे भिंडी थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। और याद करके आप भिंडी लास्ट में ही डालना, पहले डालोगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो लास्ट में ही डालना। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें ले लिया है थोड़ा सा तेल, और हमने अभी डाला है सरसों, देन डालेंगे थोड़ी जीरा और थोड़ा काला जीरा भी डालेंगे, काले जीरे से स्मेल अच्छा आता है। और एक बड़े से प्याज को हमने काट के रखा था वो डाल देंगे। देखा ना मैंने कैसे काटा, बहुत बड़े बड़े साइज़ में रखना है आपको। तो चलिए इसे अभी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तो चलिए एक टमाटर काट लेते हैं। अब बारी है टमाटर डालने की, तो टमाटर को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। गैस की फ्लेम को लो ही रखना क्योंकि मसाला जल ना जाए, इसीलिए लो ही रखना। देन इसे हल्का हल्का पकाते रहना, और इसमें अभी डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो चलिए इसे भी थोड़ा सा हल्का हल्का चला लेते हैं। तो मसाला हमारा थोड़ा थोड़ा पकने शुरू हो गया है, तो चलिए अभी पानी डाल देते हैं इसमें। आपको जितनी भी पानी चाहिए अब अभी डाल सकते हो। तो पानी हमारा हल्का गर्म हो गया है, अब वेजिटेबल डाल देते हैं। तो मैंने थोड़ी ड्रमस्टिक डाली है, गाजर डाली है, और ये बैंगन डाली है, और ये सफ़ेद पेटा ये डाला है, एंड कुछ लोग कद्दू भी डालते हैं। कद्दू मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाली है, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मैंने बीन्स डाली है, और ये जो छोटे वाले प्याज होते हैं वो डाला है हमने। देन डालेंगे हम थोड़ी नमक, और यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ से ना एक हल्का सा मीठा बनाता है जो बहुत टेस्टी लगता है। अब देखिए उबाल आना शुरू हो गया है, तो वो सारे मसाले हमने पीस लिया था वो भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए हम कब वो मसाला डाल रहे हैं, जब हल्का हल्का वेजिटेबल थोड़ा पक गया है ना तब डाल रहे हैं मसाला। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए अभी ऑलमोस्ट बन ही गया है। अभी हम डाल रहे हैं थोड़ी इमली की पानी डाल रहे हैं हम खट्टापन लाने के लिए, और लास्ट में डाल रहे हैं दाल। तो दाल डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, देन हम इस पर तड़का लगाएंगे। तो चलिए अब बारी है तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, और उस पर डाला है सूखी लाल मिर्च और मेरा 5 फोड़न। 5 फोड़न में क्या क्या होता है ना,
थोड़ा सा जीरा होता है, मेथी होता है, काला जीरा होता है और सरसों होता है। देन उसके बाद करी पत्ता गया, उसके बाद हमने थोड़ी हींग डाली है। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए अभी तड़का दे देते हैं। तो सांभर हमारा बनके रेडी हो गया है। अब थोड़ी बारी है धनिया के पत्ते की, वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो डोसा बना रही हूँ ना, वो जो पैकेट वाला आता है डोसा, वही है। मैंने घर पे नहीं बनाए क्योंकि सुबह ही खाने का मन हुआ, तो इसे तो दो दिन पहले भिगो के रखना पड़ता है दाल को, उसके बाद ग्राइंडिंग करके उसे फूलने के लिए छोड़ना पड़ता है, देन बहुत काम होता है। तो सुबह ही खाने के लिए मन हुआ तो इसीलिए हम पैकेट ले आए। तो ये रहा सांभर और ये रहा डोसा। तो चलिए खाना खाते हैं। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना था, आप जरूर ट्राई करिए घर पर। तो चलिए अभी हम खाना शुरू करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और न्यूली विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। बोल लो चुप हो।